हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पे आज बारबेक्यू बन रहा है हमारे घर में। तो ये जो व्लॉग है बहुत पहले का है, मतलब बहुत यानी एक हफ़्ता पुराना है। तो यहाँ के नेटवर्क इशू की वजह से और जो मेरी एडिटिंग लेट होने की वजह से मैं व्लॉग्स को जो है अपलोड नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे बताया था कि यहाँ पे अगर मैं व्लॉग अगर शूट करने के बाद एडिटिंग ज़्यादा करते बैठूँगी तो फैमिली टाइम स्पेंड नहीं करूँगी और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। बार बार मैं मोबाइल लेकर बैठूँ तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता है, तो मैं नहीं लेती हूँ। जब भी टाइम मिल जाता है तब मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, और रात में ना थकान होती है तो बिल्कुल भी एडिटिंग हो नहीं पा रही थी और नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था मेरे साथ। तो इस वजह से मैंने ना यहाँ पर अपलोड भी नहीं किया, एडिट भी नहीं किया था। तो यहाँ पर ये जो क्लिप है एक हफ्ते पुरानी है। तो यहाँ पर ना हम लोग बारबेक्यू कर रहे थे। वैसे हमारे घर में पहले बारबेक्यू का एक ट्रे था जो कि अभी गुम हो चुका है। तो यहाँ पे जुगाड़ू बारबेक्यू बना रहे हैं सारे जो जेंट्स हैं हमारे घर के मिलकर। तो यहाँ पे सारे लगे पड़े हुए हैं। तो अचानक से लगने के बाद ना अचानक से बारिश हो गई, तो फिर उन्होंने साइड चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे ना मैं कैमरा जो है रिदा के हाथ में थमा दिया है मैंने। मतलब हुबली जब से आई हूँ रिदा ही जो भी है मेरे व्लॉग्स रिदा ही शूट कर रही है, ऑलमोस्ट ज़्यादा करके रिदा ही शूट कर रही है। तो ज़्यादातर मेरा जो मोबाइल है रिदा के पास ही होता है, तो रिदा ही शूट करती रहती है। पता नहीं क्या क्या किया है उसने, मैंने वो भी डाल दिया जो भी उसने किया है। तो यहाँ पे देखिए, इस साइड जब उन्होंने सारे जो जेंट्स हैं उन्होंने लगाया था बारबेक्यू के लिए, लेकिन ना यहाँ पे बारिश होने की वजह से, मतलब हल्की सी बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। तो बारिश की वजह से यहाँ पे खुद साइड चेंज करनी पड़ी, यानी कि जगह चेंज करनी पड़ी। तो बहुत यम बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। और जब भी हम उबले आते हैं बहुत दिनों के लिए, अगर रहते हैं पूरी फैमिली इकट्ठा होती है, एक साथ होती है, तो ज़रूर से हम बारबेक्यू करते हैं। सबको बहुत पसंद है, तो सारे लोगों ने बारबेक्यू बहुत एंजॉय किया है। और जो आज हमने बनाया था वो चिकन अल्फाम बनाया था, बहुत टेस्टी और यमी बनते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो ये ना हम अक्सर जब गोवा में होते हैं तो हमारे घर में जब आप आते हैं तो बनाते ही हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों ने ना भूल कर यहाँ पर चिकन जो है छोटे पीसेस लाए थे, लेकिन हम जब गोवा में बनाते हैं तो बड़े बड़े पीसेस में बनाते हैं। जैसे जैसे एक एक स्लॉट होता जा रहा था वैसे वैसे सारे लोग खाते जा रहे थे, तो सारे लोग एंजॉय करते जा रहे थे। और इसको गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है, गर्मा गर्म अगर हो तो यहाँ पे मैं सारे लोगों को देती जा रही थी, क्योंकि किसी को मिल रहा था किसी को नहीं मिल रहा था, बाद में आकर कोई पूछता है तो उन्हें नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं देखती जा रही थी। जैसे ही एक एक जो स्टिक है वो हो जाती थी तो फिर मैं अंदर ला कर दे देते थे, तो फिर मैं उसको निकाल कर दे रही थी यहाँ पर। मतलब मेरा जो छोटा वाला भांजा है वो निकाल रहा था, मैं यहाँ पे सर्व भी कर रही थी, लेकिन मैंने शूट नहीं किया है। तो यहाँ पे ना अजमा के पापा और अजमा के जो बड़े पापा हैं दोनों मिलकर भून रहे हैं। और बारबेक्यू करना किसी को पसंद है तो ज़रूर बताना किस किस को पसंद है। तो हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो बहुत ही यम भी बनते हैं, सबको, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद भी आते हैं। तो इस वजह से कभी भी अगर हमारी पूरी फैमिली इकट्ठा होती है तो ज़रूर से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रात का टाइम है, थोड़ा सा जो मून है ना पूरा फुल मून था, तो फिर मैंने सोचा चलो इसका भी शूट कर लेते हैं। तो अभी मेरा कैमरा जो है मेरे हाथ में था, वैसे रिदा के ही हाथ में था। पूरा दिन पूरा रात जब भी मैं करती हूँ क्लिप बनाती हूँ तो रिदा के पास ही होते हैं ऑलमोस्ट जो भी कैमरा होता है, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ना बच्चे, बारिश हो रही थी तो फिर इस साइड आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे छाते भी लगा दिए हैं, बारिश के सीज़न में इसको गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और अभी हमने डिनर भी नहीं किया था, डिनर से पहले हम खा रहे हैं। अभी तकरीबन 10:30 के करीब कुछ हो रहा था टाइम, यहाँ पर रिदा को मैं छेड़छाड़ कर रही थी रिदा के साथ, वो भी थोड़ी सी क्लिप्स आ गई है इसमें। और यहाँ पर देखिए थोड़े बहुत बनते जा रहे थे तो यहाँ पे निकालते भी जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए हमारा जो फाइनल लुक है,
तो यहाँ पे ना सब कुछ रेडी करके मेरा जो भांजा है छोटा वाला, वो यहाँ पे तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसका भी कुछ यूट्यूब चैनल है, तो वो यहाँ पे शूट कर रहा था अपने गोप्रो से। और मैंने फ़ायदा उठाते हुए मैंने भी थोड़े से क्लिप्स बना लिए यहाँ पे। और यहीं तक का आज का मेरा ये व्लॉग था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और मेरे जो आने वाले व्लॉग्स हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़े से लेट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ज़रूर से देखना। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।